सब्सक्राइब करें अक्सर स्टार रानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज लेसन नंबर 7, स्टेट्स ऑफ मैटर। दिस चैप्टर इज ऑफ क्लास फोर्थ EVS. Okay, now I'm going to start this chapter. Okay, two friends, Sonu and Monu, bought an ice cream on a hot day. दो दोस्त हैं सोनू और मोनू, वो आइसक्रीम लेके आए गर्मी भरे दिन में, गर्म दिन में। सोनू ate his ice cream fast, but मोनू was very slow. So his ice cream melted and turned into a liquid. जो सोनू था उसने अपनी आइसक्रीम बहुत जल्दी खा ली, लेकिन जो मोनू था वो बहुत धीरे धीरे खा रहा था, जिसके कारण उसकी आइसक्रीम पिघल गई और वो लिक्विड में बदल गई। इन द सेम वे वी सी मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। इसी प्रकार हम कई चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन, वुड, मिल्क, एयर, वी ब्रेथ इन, दैट इज ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ऑल दीज आर मैटर। अच्छा, उसके अलावा हम जैसे पत्थर, लकड़ी, दूध, हवा, जो हम सांस लेते हैं जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, ये सब मैटर होते हैं। अब स्टेट्स ऑफ मैटर बताया गया है, ये चैप्टर का नाम है। जैसे ओके, मैटर इज एनी थिंग डैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो चीज़ होती है जिसमें मास हो और वो जगह घेरती है, ऑक्यूपाई, जगह को ले लेती है। इफ़ ए बुक इज कैप्ड ऑन ए टेबल, अगर एक किताब टेबल के ऊपर पड़ी है, इट इज़ ऑक्यूपाइंग सम स्पेस एंड इट कैन ऑल्सो बी वेस्ट, सो इट हैज़ सम मास। अब जैसे कि किताब है वो टेबल पे पड़ी है तो वो कुछ जगह लेगी। अच्छा, जगह लेगी तो उसका वजन भी होगा, तो इसका मतलब उसका मास भी है। दिस मीन्स ए बुक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, इसका मतलब ये है कि जो बुक है वो मैटर का एग्जाम्पल है। सिमिलरली, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैटर। इसी प्रकार जो पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एक्सेट्रा, ये सारे मैटर के एग्जाम्पल हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर है वो छोटे छोटे कणों से बना है, जिसको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं पार्टिकल के अरेंजमेंट के हिसाब से, कणों के रख रखाव अरेंजमेंट के हिसाब से होते हैं। ओके, सॉलिड, सॉलिड मतलब सख्त, कठोर, जैसा होता है ना स्टोन, ब्रिक, टेबल, वॉल, पत्थर जैसे होते हैं, जैसे सख्त होते हैं वो। लिक्विड, पिघले हुए लिक्विड, पानी जैसे, जैसे वाटर, मिल्क, पेट्रोल, सिरप, जो पानी की तरह होते हैं, लिक्विड होते हैं। गैस, गैस में आपको पता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एयर एक्सेट्रा, ये सारे उसमें आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड और दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन इज कॉल्ड सॉलिड। अब जो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, एकदम जुड़े हुए होते हैं, उनको हम सॉलिड कहते हैं। द पार्टिकल आर सो क्लोज डैट दे कैन नॉट मूव फ्रीली। अब वो एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए होते हैं कि वो आसानी से इधर उधर मूव नहीं कर सकते, बट कैन ऑनली वाइब्रेट, लेकिन उनमें कंपन होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए वुडन ब्लॉक, आइस क्यूब, ब्रिक्स। एग्जाम्पल में जैसे वुडन ब्लॉक बताया गया है, बर्फ़ की डली बताई गई है, पत्थर बताया गया है, ठीक है। अब कैरेक्टर ऑफ ए सॉलिड, सॉलिड के क्या कैरेक्टर है। इट हैज़ ए डेफिनेट शेप, इसका परफेक्ट शेप होता है, इसकी साइज़ होती है, इट हैज़ ए डेफिनेट साइज। द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, अच्छी तरह चिपके हुए होते हैं। इट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम, इसके फिक्स्ड मात्रा होती है। हिंदी में वॉल्यूम को आप मात्रा कह सकते हैं, आयतन कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे ईजी भाषा में वॉल्यूम को आप मात्रा कह दीजिए। ओके, द सेकेंड वन इज़ लिक्विड, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड और दे आर ए लिटल फार फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड लिक्विड। अब स्टेट ऑफ मैटर मतलब वो अवस्था जिसमें जो पार्टिकल होते हैं वो खुले खुले से होते हैं, मतलब जैसे सॉलिड में तो एक दूसरे के साथ सटे हुए थे, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, उसे लिक्विड कहते हैं। द गैप बिटवीन द पार्टिकल इन सच डैट देयर इज स्कोप फॉर लिटल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब जैसे सॉलिड था, सॉलिड में घूमने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन लिक्विड में इतना गैप होता है कि वो आसानी से घूम सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, जूस हो गया, मिल्क हो गया। अब इसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिक्विड, क्या क्या वो फीचर्स हैं इसके। तो इट हैज़ नो फिक्स शेप, इसका कोई शेप नहीं होता, जिस चीज़ में आप डालोगे उस शेप में ये डल जाएंगे। इसकी कोई साइज़ फिक्स नहीं होती, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, मात्रा कोई फिक्स नहीं होती, और इनकी जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इतने लूज होते हैं कि आसानी से घूम सकें। इसके बाद बारी आती है गैस की।
द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड गैस. वो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें जो कण होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं उन्हें गैस कहते हैं. द गैप बिटवीन द पार्टिकल इज सो मच दैट देयर इज स्पेस फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. वी कैन नॉट सी गैसेस. हम गैसेस को देख नहीं सकते हैं लेकिन इनके बीच में जितना गैप होता है कि आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस बताएंगे. इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स साइज नहीं है, कोई फिक्स उसके इट मे नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम. इसकी मात्रा कोई फिक्स नहीं है. उसके अलावा जो इसके पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं. उसके बाद अपने आते हैं चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर. कैसे कैसे बदलाव आते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन बी चेंज. लेट अस स्टडी इन दिस इन डिटेल. अब जो स्ट्रक्चर है पार्टिकल्स, कणों का जो स्ट्रक्चर है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, उनको हम बदल सकते हैं. अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं डिटेल में. चेंज इन सॉलिड. सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड. जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है. When we heat a solid for a certain amount of time at a certain temperature, it changes into a liquid. जब हम solid को गर्म करेंगे एक certain amount में, मतलब एक पर्याप्त मात्रा में, एक पर्याप्त temperature में, किसी main temperature में, तो ये जो होता है ये liquid में change हो जाता है. This happens because the space between the particle increase on being heating and movement becomes possible. ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसको गर्म करते हैं जो इसके पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस आ जाती है जिसके कारण ये आसानी से मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल एन आइस क्यूब मेल्ट्स एंड फॉर्म वाटर. अब जैसे आइस क्यूब सॉलिड होती है लेकिन अब जब आप इसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे या थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे तो ये पिघल जाएगी गर्माइश में रखेंगे तो. सेकेंड वन इज सॉलिड चेंजेस इंटू गैस. सॉलिड जो है वो गैस में भी चेंज हो जाता है. अब कैसे होता है वो दिखाते हैं. सम सॉलिड व्हेन हीटेड फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एट अ सर्टन टेम्परेचर डायरेक्टली चेंजेस इंटू गैस. अब कई सॉलिड रहते हैं तो एक पर्याप्त सर्टन मतलब उसमें पीरियड ऑफ टाइम में अगर उसको एक टेम्परेचर में क्या बोलते हैं हीट किया जाए, गर्म किया जाए तो वो गैस में तब्दील हो जाता है, जैसे भाप में तब्दील हो जाते हैं ना वैसे. दिस हैपन बिकॉज द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑन बीइंग हीटेड इंक्रीजेस सो मच दैट दे कैन मूव फ्रीली. ये इसलिए होता है ताकि जो जब हम उस चीज़ को गर्म करते हैं जैसे सॉलिड पार्टिकल है उनको अगर हमने हीट किया तो उनके जो कण हैं वो मूव होने लग जाते हैं. मूव होने लग जाते हैं तो उनके पास फ्रीली स्पेस होती है. गर्म जब उसको हम गर्म करेंगे तो उसमें पार्टिकल मूव होने लगे तो वो लिक्विड में गैस में चेंज हो जाते हैं. अब गैस में चेंज करने के लिए अब आपको देखो आप वो कछुआ छाप जलाते हैं ना, अपने अगरबत्ती जलाते हैं वो, तो अब मॉस्किटो कॉइल जब हम जलाते हैं तो वो सॉलिड में होती है लेकिन जब उसको जलाते हैं तो उसमें से गैस निकलती है ना, मतलब धुआं से निकलता है. तो ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है. ओके, चेंज इन लिक्विड. लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड. फ्रीजिंग. अब जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज होता है. व्हेन वी फ्रीज द लिक्विड इट टर्न्स इनटू सॉलिड. जब हम किसी लिक्विड को जमाएंगे, फ्रीज करेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है. दिस हैपन बिकॉज ऑन कूलिंग द मॉलिक्यूल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल रिड्यूस एंड द गैप बिकम लेस. अब जब हम गर्म करते हैं तो वो खुल जाता है, उसको स्पेस मिल जाती है लेकिन जब हम उसको फ्रीज करते हैं जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्पेस नहीं मिलती है और उनका जो गैप है वो कम हो जाता है. तो इससे क्या होता है वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं होते हैं. तो इससे जो लिक्विड है वो सॉलिड में बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज फ्रोजन टू फॉर्म आइस. अब जो पानी है उसको हम ट्रे में डालते हैं, उसको जब हम जमाने के लिए रखते हैं तो वो आइस बन जाती है. ओके, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस. वेपराइजेशन. अब ये वाला था भाप वाला. अब देखो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट अ सर्टेन टेम्परेचर इट चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट. लिक्विड को जैसे हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम किसी समय के लिए पर्याप्त मात्रा उसमें उबालने के लिए रख दें अगर हम, तो वो उसमें गैस में चेंज हो जाते हैं. ऑन हीटिंग द पार्टिकल मूव अवे फार फ्रॉम अदर एंड देन दे कैन अदर डैट दे कैन मूव फ्रीली. फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम स्टीम. ओके, अब क्या होता है जब हम इनको हीट करते हैं ना, इसको लिक्विड को हीट करते हैं तो जिसके पार्टिकल होते हैं दूसरे से दूर चले जाते हैं और आसानी से घूमते हैं. जैसे कि जब हम पानी को उबालते हैं तो उसको हम जब एक पर अब थोड़ी देर के बाद आप 5-7 मिनट के बाद देखोगे वो उबलना स्टार्ट हो जाता है. उसको जितना आप पीरियड ऑफ टाइम तक उबालोगे उसमें से वो भाप निकलना स्टार्ट हो जाती है. ओके,
चेंज इन गैसेस, गैसेस चेंज इनटू सॉलिड. अब गैस है वो सॉलिड में चेंज हो जाती है, उसके बारे में बताया गया है. व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर कूल्ड और कंप्रेस्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर दे टर्न इनटू द सॉलिड स्टेट. अब देखो, व्हेन द पार्टिकल ऑफ गैस आर कूल्ड टू कंप्रेस टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन नॉट मूव अवे. अब जो गैस के कण होते हैं उनको अगर ठंडा किया जाए और कंप्रेस्ड किया जाए इस हद तक कि वो एक दूसरे से ना मूव हो सकें, तो वो सॉलिड स्टेट में बदल जाते हैं. जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर. अच्छा, सूखी अच्छा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है फ्रिज के अंदर. गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन का काम आ गया. सम गैसेस व्हेन कूल्ड ऑन हीटेड टर्न इनटू ए लिक्विड. कई गैसेस होते हैं जब उसको हम कूल करते हैं या गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती हैं. व्हेन द फ्रीली मूविंग पार्टिकल कम्स क्लोज टू ईच अदर इन सच अ वे दैट दे कैन स्टिल मूव एंड चेंज शेप दे फॉर्म ए लिक्विड. अब जो मूविंग पार्टिकल होते हैं वो आसानी से घूमते हैं और एक दूसरे के इस प्रकार एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं कि वो लिक्विड की शेप ले लेते हैं. जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बादलों का बनना. ओके, मोस्टली ऑल स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज इनटू अदर स्टेट ऑफ मैटर ऑन बीइंग हीटेड और कूल्ड. तो ज़्यादातर जो मैटर के फॉर्म है या तो वो गर्म करने से या वो ठंडा करने से अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं. द चेंजेस अकर ओनली ड्यू टू चेंज इन द फिजिकल स्ट्रक्चर. ये चेंज सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण ही पॉसिबल हो सकता है. तो ये आपका लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है. कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी. थैंक्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे.